कुछ ऐसे मेकर्स हैं जो जिनको मैं दिल से भी, वैसे सभी अच्छे हैं तो दिल से पसंद करता हूँ, तो वो अपने पसंद का भी सिनेमा बना रहे हैं जिसमें काम करके मुझे बड़ी खुशी होती है। तो खेसारी जी कभी कभी बातों बातों में बोल जाते हैं ऐसा पहले भी एक आध बार कुछ बातें ऐसे बोल जाते हैं वो मीडिया के सामने भावुक, क्योंकि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। आपने भी सुना होगा कि जैसे अगर मैं सीधे सीधे नाम लूँ तो पवन जी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। जब मैं भोजपुरी में काम नहीं करता था तभी भी मेरे फेवरेट थे, और ये अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे के साथ मिलके चले, एक दूसरे के सपोर्ट से चले, बिकॉज दोनों सुपरस्टार हैं और दोनों की फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। इस चीज़ का मैं लाइव गवाह हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री अच्छी चल रही है और बेहतरीन चल रही है। मुझे एक बात से ज़रा सा ऑब्जेक्शन हो जाता है कि ये बार बार जो वल्गारिता, ये क्या अश्लीलता लोग जो बोलते रहते हैं, उन लोगों को अश्लीलता का मीनिंग भी पता है, अश्लीलता होती क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं धर्म दुबे। भोजपुरी सिनेमा में एक ऐसे भी अभिनेता हैं जो हॉलीवुड की टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। स्लमडॉग मिलेनियर की जो टीम थी उसके अगले प्रोजेक्ट में मिस्टर अमित शुक्ला सर जो हैं काम कर चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अमित शुक्ला सर का। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। एकदम बढ़िया है। आपको स्क्रीन पे देखते हैं कभी खलनायक भूमिका में, कभी किसी दूसरी भूमिका में, कभी डरते हैं, कभी ये करते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। पर्सनल मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये होगा कि आज आप कहाँ हैं, किस फिल्म की शूट चल रही है, अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, कैसे हो जाला प्यार, जगदीश शर्मा जी के डायरेक्शन में फिल्म बन रही है। पवन जी इसमें लीड कर रहे हैं, काजल रघवानी जी हैं और उनके पिता का रोल मैं कर रहा हूँ पवन जी के, और बाकी साथी कलाकार बहुत सारे हैं। बहुत सारे, वाह क्या बात है। सर ये बताएं कि इस समय भोजपुरी सिनेमा जिस पड़ाव पर है, आप अपनी नज़रों से कैसे देख पा रहे हैं, किस मुकाम पर पहुंच गई है, घाटा है, फ़ायदा है, नुकसान है, किधर जा रही है भोजपुरी सिनेमा? घाटा नफा, अब मैं कलाकार हूँ मुझे तो नहीं ये समझ में आएगा, क्योंकि बिजनेस मेरे पल्ले नहीं पड़ता मेरे बाउंसर निकलता है। हाँ ये है कि कई तरह के सिनेमा बन रहे हैं, जैसे कुछ लोग ऐसा है कि कुछ अपनी पसंद का सिनेमा भी बना रहे हैं और कुछ टाइप ऑफ भी बना रहे हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे मेकर्स हैं जो जिनको मैं दिल से भी, वैसे सभी अच्छे हैं तो दिल से पसंद करता हूँ, तो वो अपने पसंद का भी सिनेमा बना रहे हैं जिसमें काम करके मुझे बड़ी खुशी होती है। खुद को कहाँ तक पा चुके हैं आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। मैं से आपके एक्टिंग से, करियर से या फीस से? फीस अलग चीज़ हो गया। मतलब मेरे जो गुरु थे उन्होंने सिखाया था, मेरी एक्चुअली पहली गुरु थी ब्रिटेन की थी, सिस्टर मार्था, तो उन्होंने बचपन से जो एक्टिंग का कीड़ा डाला मेरे अंदर, तो उन्होंने यही कहा था कि कभी अपने एक्टिंग से संतुष्ट मत होना, संतुष्ट हो गए तो फिर तुम ख़त्म हो जाओगे, फिर तुम और कुछ अलग नहीं कर पाओगे, कुछ और बेहतर नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम अपने आप को ही खुश करने में लगे रहोगे। तो मैं अपने आप को कभी खुश नहीं कर पाता, तो अब सामने से जब तारीफ़ मिलती है या हमारे जो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं सभी डायरेक्टर्स या हमारे को आर्टिस्ट या हमारे हीरो, तो बोलते हैं कि हाँ अमित भी आप बहुत अच्छा काम करते हैं या ये आपने अच्छा किया, तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं अब आगे क्या, उसके बाद क्या ऐसा मेरे अंदर चलता रहता है। फीस को लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी सिनेमा की बात है यहाँ ज़्यादातर देखते हैं क्या तो हीरो या हीरोइन या प्रोड्यूसर, ये खुश हैं अपने पैसों से, क्या आप भी इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हैं फिल्मों में, फीस से संतुष्ट हैं? इस पे नो कमेंट लेकिन हाँ जिस तरह के किरदार मुझे दिए जाते हैं इसके लिए स्पेशली मैं थैंक यू कहता हूँ उन सबको कि वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं उस पे पूरी कोशिश करता हूँ कि 100% मैं उस किरदार को मैं ढल जाऊँ। तो बस सर मैं भी आज पिछले 3-3.5 सालों से भोजपुरी सिनेमा में कार्यरत हूँ एज ए पत्रकार, और यहाँ मैं देख पाता हूँ कि ज़्यादातर लोग ग्रुपिज्म का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी ग्रुप में हैं तो उनके पास ढेरों काम है, जो कोई ग्रुप में नहीं है। इस पे मैं ज़रा सा आपको नकारूंगा, क्योंकि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। आपने भी सुना होगा कि जैसे अगर मैं सीधे सीधे नाम लूँ तो पवन जी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। जब मैं भोजपुरी में काम नहीं करता था तभी भी मेरे फेवरेट थे, और खेसारी जी भी बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ जब भी मैंने काम किया, तो मोस्टली अभी तक बाप और बेटे वाली ही स्टोरी हमने की है और हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत मतलब जमती है,
यूनिट को भी बहुत अच्छी लगती है, डायरेक्टर्स को, ऑडियंस को। कल्लू है, उनके साथ भी बहुत जमती है, चिंटू जी हैं, दिनेश जी के साथ मेरी पहली फिल्म भोजपुरी फिल्म की शुरुआत हुई थी, तो मेरी सबके साथ सेम ट्यूनिंग है, मेरे सभी को आर्टिस्ट, सभी डायरेक्टर के साथ। तो मैं कभी ग्रुप में पढ़ा ही नहीं, और आई थिंक सो सभी ये बात कहते हैं। सबका साथ में आपका? हाँ, फिर भी सब सबके साथ काम कर रहा हूँ और बिजी हूँ। लेकिन आप देख पा रहे होंगे आज की तारीख में बहुत से विवाद आजकल इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखे जा रहे हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, वैसे विवाद भी आगे बढ़ रहे हैं। दो दो गुट बन गए हैं फैंस के, इसमें बिल्कुल कोई खेसारी जी, ये मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑनेस्टली बोलूं ये। हाँ, इस बात को अगर आप ग्रुपिज्म बोलेंगे तो मैं बिल्कुल डिनाई करूँगा इस चीज़ को कि मुझे एक्चुअली ये चीज़ नहीं पसंद। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ और मैं अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानता हूँ, अधिकारों का दायरा जानता हूँ, इसलिए मैं, और गॉसिप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करता मीडिया के सामने, या बोलता नहीं हूँ। आज आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो रह जाता हूँ कि नहीं छोड़ो भाई। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए, सीरियसली नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट फेयर। पवन सिंह बुजुर्ग हैं? नहीं, अभी तो जवानी चढ़ी है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी लाइव आए, और लाइव आकर के आज दोनों ही सुपरस्टारों का गाना रिलीज़ होना था। पवन जी का करंट रिलीज़ हो चुका है और खेसारी जी का तेरे मेरे दरमियाँ रिलीज़ होने वाला था। कल लाइव आकर के उन्होंने घोषणा की कि मैं अपने गाने को एक दिन बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई का गाना आज रिलीज़ हो रहा है, मैं उनके समर्थन में हूं। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई, बोली, बोलते बोलते शायद उनकी ज़ुबान फिसल गई। उन्होंने बोले कि पवन सिंह जी हमारे बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों की बात माननी चाहिए। मैं हमेशा नहीं, लेकिन आपने उन्होंने बोल दिया, आपने पहली लाइन पे गौर नहीं किया, आपने खुद उनकी बात मेरे सामने रखी कि उन्होंने पहली लाइन क्या बोली कि मैं एक अपना गाना इसलिए एक दिन आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पवन भैया का गाना पहले आने वाला है। तो वो सम्मान भी तो देखिए, और ये अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे के साथ मिल के चले, एक दूसरे के सपोर्ट से चले, बिकॉज दोनों सुपरस्टार हैं और दोनों की फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। इस चीज़ का मैं लाइव गवाह हूँ। मैं चूँकि बड़ा रूल रेगुलेशन में रहा हूँ, मिशन स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी एक्टिंग की ट्रेनिंग भी वहीं से शुरू हुई, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोलूँगा कि मैं 20 साल से बहुत कम अपने घर गया हूँ, और दर्शकों का इतना प्यार फिर भी मुझे मिलता रहा हमेशा। मैं लॉकडाउन में घर गया और मेरे मम्मी पापा इतने खुश थे कि 20 साल में पहली बार ये एक महीने रहा है यहाँ पे बिहार में। तो वहाँ पे मैंने देखा है दोनों की फ़ैन फॉलोइंग और भी स्टार्स की फ़ैन फॉलोइंग, सिंगर्स की, इतने मतलब प्यार करने वाले ऑडियंस है, तो उनको क्यों बांटना, कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़ों की मतलब नहीं लगता कि दोनों के बीच कोल्ड वार है? ऐसा नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता। पता नहीं ये मीडिया फैलाती है या उनके जो कुछ मतलब, जैसे एक स्टार्स के कुछ एक वो पता नहीं कौन से, वो एक अलग फ़ैन है, वो एक अलग ग्रुप बना लिए हैं। हाँ, पूरे लाइव में खेसारी जी ने ये भी कहा है कि पवन जी का जो सॉन्ग है उसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स दिखेंगे जबकि मैं हूँ अकेला। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला? मैंने लाइव देखा सर आपको, अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि आपने नहीं, मैंने बोला कि आपने ये बात बोली मुझे, अभी आपने बताया, क्योंकि मैंने लाइव नहीं देखा। तो खेसारी जी कभी कभी बातों में बोल जाते हैं, ऐसा पहले भी एक आध बार कुछ बातें ऐसे बोल जाते हैं वो मीडिया के सामने, भावुक है। नहीं, लाइव पर आकर उन्होंने बोला, बाकायदा लाइव आके बोला। तो लाइव आके बोला तो मतलब ऐसे बहुत भावुक है, क्योंकि मैं मतलब ऑन कैमरा जब भी उनके साथ काम किया हूँ या ऑन सेट, तो मैंने तो उनको हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करते देखा है, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करते देखा है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो वो करते हैं मेरी खुद भी मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत वो, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी के पर्सनल सपोर्ट में बोल रहा हूँ। और पवन जी भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से बोलूँ, जबकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं। तो वो भावुकता में बोलते बोलते क्या होता है कि कुछ लोग शब्दों को संभाल लेते हैं और खेसारी जी कभी कभी फ्लो में बह जाते हैं। ऐसा मुझे मेरा पर्सनल वो है। काफी बार उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें कह दी हैं, बाद में आकर उन्होंने सुधार भी किया। हाँ, उस पर तो मिला जुला के कहानी ये है कि एक नंबर चल रही है इंडस्ट्री आपकी नज़र से। हाँ, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री अच्छी चल रही है और बेहतरीन चल रही है। मुझे एक बात से ज़रा सा ऑब्जेक्शन हो जाता है कि ये बार बार जो वल्गारिता ये क्या अश्लीलता लोग जो बोलते रहते हैं, उन लोगों को अश्लीलता का मीनिंग भी पता है, अश्लीलता होती क्या है। सेम कोई बड़ी मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कोई बड़ी स्टार बॉलीवुड में इंट्रोडक्शन शॉट हो स्विमिंग सूट में पहन के निकल आए, कोई चर्चा नहीं होती, नॉर्मल कोई डिस्कशन ही नहीं होता। और हमारे घाघरा चोली में डिस्कशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ
अपनी थिंकिंग चेंज कीजिए, और मेन होता है ना कि मेकिंग पे डिपेंड होता है। अब सेम किसिंग सीन कोई और करेगा तो अश्लीलता में आ जाएगा, सेम किसिंग सीन यश चोपड़ा शूट करेंगे तो यूज़ सर्टिफिकेट आ जाएगा। बस यही फ़र्क है और क्या। बिल्कुल, लेकिन खुशी की बात यह है अमित सर कि अब मुझे लगता नहीं है कि अश्लीलता भोजपुरी में रहेगी। ये पिछले 2-2.5 महीनों में बहुत सारे गाने आए जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, साफ सुथरे आए हैं। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते कि खलनायकों की भूमिका में आप बहुत ज़्यादा दिखते हैं, प्रतिद्वंदी किसे मांगते हैं अपना आप? अवधेश मिश्रा साहब हैं, संजय पांडे जी हैं, देव सिंह हैं, करण पांडे हैं, कई हैं, कितने नाम गिनाओ। तो आपको क्या लगता है कौन है प्रतिद्वंदी आपको, या फिर क्या लगता है कि कौन काट रहा है या कौन आपका काम छीन ले गया है? कोई किसी का काम नहीं छीनता, कोई किसी का नहीं छीनता। इस मेरे आने से आने के जस्ट बाद ये सब चीज़ें, कई गॉसिप मेरे कान में आए कि कॉम्पिटिटर लोग मानने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मैंने फील नहीं किया। कोई किसी का कुछ काम नहीं छीनता, और अवधेश जी की अपनी एक जगह है। कोई मतलब ऐसे नाम, सॉरी टू से ले रहा हूँ, अमिताभ बच्चन सर भी आ जाएंगे ना भोजपुरी में, तो भी यहाँ जो पुराने दिग्गज हैं ना उनके सामने वो न्यूकमर ही होंगे, जबकि बॉलीवुड के सरताज हैं वो। तो उसी तरह मैं आया था तो उनके सामने भोजपुरी के लिए नया ही हूँ, और वो कभी भी ऑलमोस्ट मेरे सीनियर रहेंगे। तो वो और मेरे सामने हमेशा अपनी सीनियरिटी वो दिखाते कि हाँ अमित यू आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। ये तो मेरी अपनी एक अलग जगह है, ना देव सिंह मेरे कंपैरिजन में है, ना करण है, ना अवधेश भैया हैं, ना संजय पांडे जी हैं, ना सुशील भैया हैं। ये तीनों तो ऑलमोस्ट सीनियर हैं। मेरी एक अलग पहचान है, अलग जगह है, और मैं दिल से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी, और मैं खुद वही प्रयत्न करता हूँ कि मेरी अपनी एक अलग जगह हो, अलग नाम हो। सचिन तेंदुलकर से बेस्ट विराट कोहली की हो सकता है कई शॉट्स अच्छे हों, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हो। विराट कोहली की एक अलग जगह है, वो मेरे कहने का। थैंक यू वेरी मच अमित सर, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। जाते जाते कैमरा आपका है, भोजपुरी दर्शक आपके हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस आप सबको दिल से प्रणाम, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सबकी भाषा है, हम सब बिहार यूपी वाले हैं, और अपनी भाषा का सम्मान भी अपने हाथ में होता है, तो हमें खुद अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। इस पर एक छोटा सा अगर इंटरप्ट करूं, एक लाइन बोलूं, बचपन में मैं बहुत सुकड़ू दुबला था, तो मेरे अपने सगे चाचा जी ने मुझे एक सुखाड़ी नाम चिढ़ाने के लिए दे दिया था। तो मेरे दादाजी ने एक बात बोली थी कि आज तू घर के होके अपने घर के लेके के चिढ़ावा तरह बिहान पूरा गाँव चिढ़ाई, परसों पूरा जवार चिढ़ाई। तो हमारी भोजपुरी में यही हाल है, और कुछ बुराई नहीं कि हम अपनी भाषा की अपने आपस में ही एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहे। तो क्यों, वाई, आगे बढ़ने का है, कंपटीशन भी करना है, हेल्दी करने का। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये हैं अमित शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुँचा दें। बने रहें देसी भारत के साथ, नमस्ते।